यारो, वेलकम टू चैनल YJ Vlogs। तो आपको दिख रहा होगा आज कितनी भारी बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में भी कोविड के चलते सारे मंदिर बड़े बड़े बंद थे, तो आज ये कैंची धाम खुल गया है। तो आज हम जा रहे हैं कैंची धाम बाबा जी के दर्शन करने। और देखिए, बाबा जी का बुलावा है, तो ऐसे में भले आंधी आए तूफान, भक्त पहुँच ही जाता है जब भगवान बुलाता है। तो आपको दर्शन कराते हैं कैंची धाम मंदिर के, तो बने रहिए हमारे साथ। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब हम पहुंच चुके हैं भवाली। अब यहां से हम जा रहे हैं कैंची धाम, जो कि यहां से 10-11 किलोमीटर दूर है। और ये है भवाली मार्केट। लॉकडाउन के बाद कैंची धाम मंदिर अब जाके खुला है। कम से कम 4 महीने हो गए कि कैंची धाम के कपाट बंद थे। तो चलते हैं वहाँ, दर्शन करते हैं आज। वो देखिए, वहाँ बिल्कुल उस पहाड़ी के ऊपर कोरा कोरा हो रखा है बिल्कुल। अरे भगवान, आपका मुंह कितना बड़ा है। बेटा, भगवान का मुंह तब से बड़ा है। देखो, भवाली मार्केट आ गई। मार्केट आ गई, आम लगे, देखो दुकान में। दुकान में आम लगते। मम्मी तो बोल रही है, फिर मम्मी तो ऐसी बोल रही है। बारिश बारिश। और यहाँ से तीन रास्ते कटते हैं। ये जो ऊपर को रास्ता गया है, ये क्या है, नैनीताल, जहाँ ये कार गई। और हम यहाँ से मुड़ के जाएंगे कैंची मंदिर, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर है। और इसी रास्ते से आप आगे चल कर अल्मोड़ा, रानीखेत और पिथौरागढ़ के लिए जा सकते हैं। मौसम देखो, बाहर का कितना फॉगी फॉगी हो गया है। बादल जमीन पे। कैंची धाम ओनली 5 किलोमीटर। बस कैंची धाम हम पहुंचने वाले हैं, तो सब लोग तैयार हो जाइए अपनी विश मांगने के लिए। हम आपको लाइव दर्शन कराएंगे। बस आप पहचान गए होंगे इस कैंची मोड़ को, जिसके नाम से ही कैंची धाम का नाम कैंची धाम पड़ा है। तो ये देखिए, ये हम है कैंची धाम पर। ये है कैंची धाम का मुख्य प्रवेश द्वार, और वो है कैंची मंदिर। साथ नीम करौली महाराज की मूर्ति आपको दिख रही होगी। ये देखिए, हमने जूम करके दिखाया है। अंदर से तो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हमने बाहर से ही। आप लोग दर्शन कीजिए। और यहीं से हम दुर्गा माता, वैष्णो माता का भी मंदिर दिखता है। ये देखिए, साक्षात दर्शन कीजिए। और जो विश मांगनी, आप लोगों को अपनी विश मांग लीजिए। और भगवान प्लीज ये कोरोना को जल्दी से भगा दो, ताकि सारे भक्त आपके दर्शन के लिए आ पाए, जो बहुत दूर दूर रहते हैं। और बारिश देखिए कैसी बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाबा जी ने बुलाया था तो हम यहाँ आ गए। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। जय हो नीम करौली महाराज की जय। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए, लॉकडाउन के बाद जो नियम है, मास्क पहन कर सैनिटाइज होके मंदिर में प्रवेश करना है, आपस में उचित दूरी बनाएं। और एक समय में मंदिर में केवल 5 ही व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। जय हो नीम करौली महाराज की जय। देखिए, हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतने महीने बाद हम आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कपाट बंद थे, आज ही खुलने, मतलब कुछ टाइम पहले खुले। बेटा भीग जाएगा, इधर आओ। बाबा जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। और ये जो नदी है, शिप्रा नदी, बारिश की वजह से देखिए कितना बहाव आ गया है। बारिश लगातार हो रही है। वो निर्मल साक्षी लोग मंदिर में 5 लोग प्रवेश करना है, और हम 5 ही हैं। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर अंदर मंदिर पे।
बहुत ही खुशी हो रही है हमें, बाबा जी ने हमें बुलाया होगा हमारा, तो हम आ गए यहाँ पर इतनी बारिश में भी। अंशु भीगो मत, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सब लोग लाइव दर्शन कीजिए, जय हो नीम करौली महाराज की जय। तो बस इसके आगे वीडियोग्राफी बंद है, तो इसके आगे हम वीडियो बनाएंगे नहीं। आपको हमने ऊपर से दिखाई दिया था जूम करके, आपने भी हमारे साथ दर्शन कर लिए हैं। तो मंदिर पे हमने पहले भी ब्लॉग बनाया हुआ है, अगर आपको मंदिर के बारे में जानकारी लेनी है तो आप हमारे पुराने वाले ब्लॉग देख सकते हैं। जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। 15 जून को कैंची धाम में बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ की ये लगाइए कि देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ। मतलब जब से मैंने होश संभाला है, कम से कम जब मैं 7th-8th में पढ़ता था मैं तब से आ रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी ऐसा हुआ हो कि वो मेला का आयोजित ना हुआ हो। कोविड की वजह से यहीं क्या हर जगह के बड़े बड़े धाम बंद रहे और यहाँ पर 15 जून को मेला भी नहीं हो पाया इस बार। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को YJ Vlogs। यू